जनता की समस्याओं को, जनता के सरोकार को, जनता के बीच सरकार के बीच लाना मीडिया का काम। पर जब मीडिया को इस काम में बाधित किया जाए, मीडिया के इस काम पर। नमस्कार, मैं शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज प्रतिदिन। जिस तरह से कल बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी कि पत्रकार पे हमला हुआ है, वही पत्रकार जनता जंक्शन के प्रशांत राय पर जिस तरह से बेरहमी से पुलिस कर्मियों द्वारा उन्हें मारा पीटा गया है, उसी मुद्दे पर आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है बेगूसराय के वरीय एवं गणमान्य पत्रकार श्री महेश भाटी जी। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे। नमस्कार सर, आप इस घटना को किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से एक तरफ कहा जाता है कि पत्रकारिता जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन जब वो किसी भी चीज की जानकारी के लिए सरकारी महकमे में जाते हैं तो उन पर लाठीचार्ज होती है, उनको बेरहमी से पीटी जा रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, यह बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है और पत्रकारों के साथ आए दिन जो बातें संपूर्ण देश में हो रही हैं, वो पीएमसीएच की घटना तो अभी तत्काल आपने जिसकी चर्चा भी की। और पत्रकार या मीडिया समाज और सरकार के बीच की कड़ी है। लोकतंत्र के लिए जितना बड़ा स्थान कार्यपालिका न्यायपालिका का है, उससे कम मीडिया का योगदान नहीं है। जनता की समस्याओं को, जनता के सरोकार को, जनता के बीच सरकार के बीच लाना मीडिया का काम है। और जब मीडिया को इस काम में बाधित किया जाए, मीडिया के इस काम पर लोग सवाल खड़ा कर दें, उनके साथ मारपीट होने लगे और स्वतंत्र रूप से जब वो अपना काम नहीं कर सकें, यह तो दुर्भाग्यपूर्ण है। यह किसी सरकार या किसी समाज और लोकतंत्र के लिए तो सबसे बड़ी घातक चीज है। तो पीएमसीएच में जो कुछ भी घटना हुई और जनता जंक्शन के पत्रकारों के साथ जिस तरह से लोगों ने किया, चाहे वहां का सिक्योरिटी गार्ड हो या वहां के स्टाफ हो, तो यह एक तरह की निंदनीय घटना है। और इस तरह की घटना संपूर्ण बिहार ही नहीं पूरे देश के पत्रकारों का प्रतिकार करना चाहिए, प्रतिरोध करना चाहिए। सर, इससे पहले भी हम लोगों ने देखा है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में अर्णव गोस्वामी को सीधे तौर पर निशाना बनाया गया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि वही प्रवृत्ति बिहार सरकार के अंदर भी आ गई और वो जनता जंक्शन के पत्रकार को अपना निशाने पर लेना चाहती है? क्योंकि पिछले दिनों चुनाव के दिनों जनता जंक्शन जो सरकार पर मुख्य रूप से हावी थी। देखिए, ऐसा है कि अभी एक प्रवृत्ति अपने देश में ये चली है और लोकतंत्र के लिए अशुभ इसको आप कह सकते हैं कि कोई सरकार का विरोध करना शुरू करे या कोई इशू पर अभी कोई पत्रकार कोई कार्यक्रम शुरू करता है तो सरकार उसके विपक्ष में चली जाती है, या जो प्रतिष्ठान जिसके खिलाफ वो खड़ा होता है तो वह प्रतिष्ठान उसके खिलाफ में चला जाता है। आपने अर्णव गोस्वामी की चर्चा की, या इससे पहले भी इमरजेंसी के समय रामनाथ गोयनका इंडियन एक्सप्रेस वाले थे, उन्होंने प्रतिकार किया, या उससे पहले बिहार में जगन्नाथ मिश्रा अर्जावर्त इंडियन नेशन ने खिलाफ किया था तो उसके खिलाफ भी उन्होंने उसी तरह का कार्यक्रम किया। तो सत्ता और पत्रकार इन दोनों के बीच एक संघर्ष जब आप सही सवाल को उठाएंगे तो चलते रहता है। यह जो सही सवाल है, जनता का सवाल है, जनता की समस्याएं हैं, जनता का जो सरोकार है उसको जब पत्रकार उठाते हैं तो वह सत्ता के आंखों के किरकिरी बन जाती है और फिर दमन का एक दौर चलता है, उनके साथ उनके विज्ञापन बंद किए जाते हैं या और तरह से उनको प्रताड़ित किया जाता है। यह एक दौर सब दिन से चला है और हमेशा पत्रकार इसके खिलाफ खड़ा रहे हैं और मैं समझता हूं आज भी पत्रकार इसके खिलाफ खड़ा रहेंगे और शिद्दत के साथ इसका प्रतिकार करेंगे, विरोध करेंगे। सर, आप बहुत दिनों से पत्रकारिता जगत में जाने माने चेहरे हैं, तो आपको लगता है ऐसा कि पहले के पत्रकारिता और आज के पत्रकारिता में बहुत तरह का बदलाव हुए हैं? बिल्कुल, आज की पत्रकारिता और पहले की पत्रकारिता दोनों में अंतर है। पहले की पत्रकारिता प्रिंट मीडिया की पत्रकारिता थी जो 90 के दशक से पहले आप देख सकते हैं, और प्रिंट मीडिया का था कि कहीं राज्य की राजधानियों से निकलते थे अखबार या छोटे शहरों से अखबार निकलते थे, लेकिन वो अखबार एक दो दिन बासी होकर जाता था। फिर आया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर आया और आज सोशल मीडिया का दौर है। आज क्या क्या नहीं है, व्हाट्सएप हैं, आज फेसबुक है या और तरह के सोशल पोर्टल्स हैं, और जितना सोशल मीडिया पर जो त्वरित अधिक कोई घटना अमेरिका में या दिल्ली में होगी तो आप सेकेंडों नहीं लगेगा आपके पास पहुंच जाएगी। तो यह तो एक परिवर्तन तकनीकी रूप से आई। और दूसरा जो बड़ा परिवर्तन है कि जनता जब मीडिया जब जन सरोकार से जुड़ गई, जब मीडिया सोशल हो गई और आज सोशल मीडिया शब्द प्रचलन में है, और यह सोशल मीडिया जो है यह किसी चीज को छुपने नहीं दे रही है। यदि कोई सवाल आता है तो उसका उसकी चर्चा तुरंत छा जाती है। आप कोई
किसी ने व्हाट्सएप पर ही छोड़ दिया मैसेज, किसी ने ट्विटर पर ही मैसेज छोड़ दिया, या किसी ने फेसबुक पर ही मैसेज पोस्ट लिख दिया, तो इसकी एक प्रतिक्रिया आप देखते होंगे कि संपूर्ण समाज के बीच हो जाता है, संपूर्ण देश में कभी कभी हो जाता है। तो यह सोशल मीडिया जो है बड़ी आक्रामक और बड़ी मारक मीडिया बनती जा रही है, और यह सरकार और खासतौर पर जो मीडिया पर हमला करने वाले लोग हैं, जो मीडिया को कठघरे में खड़ा करने वाले लोग हैं, उनके लिए संसद बनाई। अब कोई भी आदमी मीडिया को कमजोर करके नहीं देख सकता है, और अखबार का जमाना नहीं है, अब जमाना सोशल मीडिया का है, और सोशल मीडिया इतना महत्वपूर्ण है कि आप किसी बात को दबा नहीं सकते। यदि पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में शौचालय में पैखाना तैर रहा है, रोगी नीचे में सो रहे हैं, तो यह वहां के प्रशासन के चाहने के बाद भी मामला दब नहीं सकता। किसी न किसी पोर्टल वाला या कोई न कोई टीवी वाला दे या नहीं दे, अखबार वाला न्यूज छापे या न छापे, पोर्टल वाले या कोई सोशल मीडिया वाले या कोई मरीज के परिजन भी उसको ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर डाल करके पूरे देश में फैला सकते हैं। यह एक बड़ी शक्ति आई है मीडिया में, और इसको कोई हरा नहीं सकता है अभी का जो दौर है। और उजागर करना किसी घटना को अब बहुत साधारण सी बात हो गई है, इसलिए नए दौर में मीडिया, नए स्वभाव में है मीडिया, और इसमें पुराने जमाने का दौर से बिल्कुल अलग, बिल्कुल भिन्न है। सर, कुछ दिन पहले ही जब जिस तरह से अर्णव गोस्वामी पे हमला हुआ, उसके बाद प्रशांत कन्नौज हैं जो कि यूपी से आते हैं और योगी के खिलाफ कुछ उल्टा पुल्टा सोशल मीडिया पर लिख दिए थे, उनकी भी गिरफ्तारी हुई। उसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने फैसला लिया कि पत्रकारों पर हमला करने वाले लोगों को जो है, जो भी लोग हमला करेंगे उनको जो है 50,000 रुपए तक का जुर्माना और 5 साल तक के जेल का प्रावधान सरकार कानून ला रही है। तो सर, इस कानून के अगर आ जाती है तो क्या इससे ये पत्रकार पर जो हमला हो रहा है वो हमला रुकेगा? नहीं, सरकार के कानून से बहुत सारे कानून इस देश में बने हुए हैं पहले से भी, सुरक्षा के कानून बने हुए हैं। सरकार के कानून बना देने से बहुत सुरक्षा नहीं हो जाए, इसके लिए पत्रकारों को स्वयं भी सोचना चाहिए और जिम्मेवार होना चाहिए, और सरकार को भी जिम्मेवार होना चाहिए। सरकार यदि चाहती है कि हम जनपक्षीय हैं, जनता के पक्ष में काम कर रहे हैं, तो उस सरकार को मीडिया तक ले जाना होगा, और मीडिया को भी इतना गंभीर होना होगा, इतना जिम्मेवार होना चाहिए जो सरकार के जो नियम कानून है उसके अनुसार चले। अराजकतावाद से न सरकार को फायदा होगा, न समाज को फायदा होगा, न मीडिया को फायदा होगा, इसलिए मीडिया कर्मियों को भी सशक्त बनने के साथ जिम्मेवार भी बनना चाहिए। सर, आप बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार है, तो अभी जो नवोदित पत्रकार जो आ रहे हैं, जो मार्केट में इंडस्ट्री में आ रहे हैं और खुल के सरकार का विरोध कर रहे हैं, सही मुद्दे पर भी और गलत मुद्दे पर भी, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मीडिया और सरकार का विरोध यह एक आयाम हो सकता है, लेकिन मीडिया को हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए, मीडिया को हमेशा स्वतंत्र होना चाहिए। यह नहीं कि सिर्फ सरकार की आलोचना करना ही मीडिया का कर्तव्य है। सरकार यदि अच्छा काम कर रही है, सरकार यदि बढ़िया कुछ दिखा रही है, सरकार यदि जनपक्षीय निर्णय ले रही है, सरकार यदि जनता के हित में कोई काम कर रही है, तो मीडिया का यह कर्तव्य बनता है, या नया नौजवान को यह कर्तव्य बनता है कि वह उसको भी दिखावे। यह नहीं कि सिर्फ सरकार के विपक्ष में ही चीजें दिखाई जाए, इससे एक नकारात्मकता फैलती है। तो हमेशा सकारात्मक होकर काम करना चाहिए, हमेशा सकारात्मक स्वभाव बनाना चाहिए, मीडिया कर्मियों को तो सकारात्मक होना चाहिए, कभी नकारात्मक नहीं होना चाहिए। नकारात्मकता में भी उसकी सकारात्मकता छिपी रहनी चाहिए, हमेशा भी पॉजिटिव, जो शब्द है अंग्रेजी का, वो भी पॉजिटिव रहना चाहिए उसको। यदि सरकार की कमियां हैं तो उसको खूब उजागर करें, लेकिन सरकार की खूबियां हैं तो उसको भी उजागर। सर, आपने 90 के उस दौर में पत्रकारिता की है जब सोशल मीडिया, टेलीविजन ये सब नहीं हुआ करती थी, और होती भी थी तो बहुत कम लोगों, बहुत कम घरों में होती थी। तो सर, उस समय जो बिहार की कानून व्यवस्था थी और आज जो कानून व्यवस्था है, चुनाव के बाद जो स्थिति आई है बिहार में, कि ये देखने को मिल रहा है कि हर रोज कहीं बैंक लूटा जा रहा है, कहीं डकैती हो रही है, कहीं किसी को मार दिया जा रहा है, तो सर क्या आपको फिर से लग रहा है कि कहीं ना कहीं बिहार में जो जंगल राज की स्थिति वापस आ रही है? नहीं, देखिए, वो जंगल राज कोई शब्द होता असल में है नहीं, और कानून है और व्यवस्थाएं हैं, तो कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा होगा ही। गलत लोग, अपराधी, समाज विरोधी तत्व तो सब दिन समाज में रहे, 90 के दशक में भी थे, 80 के दशक में भी थे, और ये आज के दशक में भी हैं, और ये रहेंगे। अब यह काम प्रशासन को करना है कि हम इसको किस रूप में लेते हैं। यदि प्रशासन शक्ति के साथ ऐसे तत्वों से निबटती है तो ठीक है, यदि प्रशासन शक्ति के साथ ऐसे तत्वों से नहीं निबटती है तो यह उसकी कमियां हैं। प्रशासन यदि गलत, अब जैसे बिहार में आप देख सकते हैं, नीतीश कुमार ने शराबबंदी कर दी, बहुत अच्छी चीज थी। शराबबंदी की घोषणा से संपूर्ण बिहार की जनता ने
राहत की सांस ली, एक बहुत बड़ा जो अपने समाज का, बिहार के समाज का कोड था उसको समाप्त करने की कोशिश थी, बहुत अच्छा कदम था और इसका सर्वत्र स्वागत हुआ। लेकिन आज क्या है कि शराब बिहार के घर घर में बेची जा रही है, चोरी छुपे बेची जा रही है। तो यह एक कमियां है कि जिस खूबी को लेकर के सरकार ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया उसको कमियों में बदल दिया गया। सरकार के प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस की व्यवस्था और सामाजिक तत्व यदि शराब बिकवाने के धंधे में लिप्त हैं तो सरकार को इससे सख्ती से निपटना चाहिए और इसके खिलाफ कार्रवाई करना। इसका कल बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी जब पुलिस मुख्यालय भवन का निरीक्षण कर वापस लौट रहे थे तो उन्होंने भी इस चीज को स्वीकारा है कि बिहार में कानून व्यवस्था जो है लचर हो चुकी है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब मुखिया कह रहे हैं बिहार के कि कानून व्यवस्था लचर हो गई है तो क्या इसको मान लिया जाए कि नीतीश कुमार जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही और पुलिस जो है अपना काम सही ढंग से नहीं कर पा रही है? नहीं, देखिए यदि ऐसा कहते हैं तो यह उनको नहीं कहना चाहिए, कानून की जिम्मेवारी है, वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और एक मुख्यमंत्री को यह देखना चाहिए कि हम किस तरह का राज कर रहे हैं। उनको हमेशा शासन की जो कठोरता है, शासन का जो सिस्टम है उसको सुचारू रूप से पटरी पर लेकर चलना चाहिए, बेपटरी नहीं होने देना चाहिए। यदि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति बेपटरी हो जाती है तो इससे समाज और बिहार का बड़ा नुकसान होगा। तो नीतीश जी को या बिहार के मुख्यमंत्री को यह चाहिए कि वो बिहार के कानून व्यवस्था को हमेशा पटरी पर रखें और इसके लिए जो भी शक्ति बरतना हो, जो भी शक्ति बरतना हो वो शक्ति बरतें और एक ऐसा माहौल बनावे जिससे अपराधी में भय पैदा हो, अपराधी में खौफ पैदा हो और वो अपराध करने का साहस नहीं कर सके। इसके लिए पुलिस व्यवस्था और कानून व्यवस्था और प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों उनको स्वतंत्र या सख्ती करने की छूट देनी चाहिए और उस पर नजर रखनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वो अमन चैन कायम कर सके समाज में, जिससे विकास का रास्ता खुल सके, जिससे नया काम हो सके। सर जाते जाते बस एक सवाल आपसे, आखिरी सवाल, जिस तरह से जनता जंक्शन के पत्रकार प्रशांत राय पर जो हमला हुआ उसके लिए आप जिम्मेदार किसको समझते हैं, पीएमसीएच के अधिकारी या पदाधिकारी को या बिहार सरकार को या पुलिसिया तंत्र व्यवस्था को? देखिए जो घटना घटी वो एकाएक घटना घटी है तो उसमें अब सरकार के सिस्टम जो वहां थे और तत्कालिक कारण जो है उसमें पत्रकार रात को जाते हैं और फिर वो जब फोटो खींचने लगते हैं तो उनके साथ प्रतिकार होता है, फिर मारपीट हो जाती है। तो इस तरह की चीजों से बचना चाहिए, जो सुरक्षा गार्ड थे या तो उनसे अनुमति ले लेनी चाहिए थी या फिर ऐसा करना चाहिए था कि सुरक्षा गार्ड को भी संयम बरतना चाहिए था और उनको जब पता चला कि ये पत्रकार हैं और खामियों को देख रहे हैं तो उन्हें समझाना चाहिए था। और एक तरह से यह तत्कालिक घटना है और तत्काल की घटना जो जिस जगह होती है और जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनके लिए होती है, इसमें बहुत यह नहीं है कि आप इसको अभी ज्यादा दूर तक ले जा सकते हैं। लेकिन सरकार को इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए एक लाइन रखना चाहिए, एक सिस्टम रखना चाहिए कि हम इस तरह की घटनाएं नहीं घटे और ऐसे प्रशिक्षित कर्मचारियों को पुलिस वालों को करना चाहिए कि कहीं पत्रकार पर या मीडिया कर्मियों को सहयोग करना चाहिए, मीडिया कर्मियों पर हमला करना बिल्कुल गलत बात है और इसके लिए आप दोषी ठहरा सकते हैं कि आपकी जो व्यवस्थाएं हैं वो मीडिया कर्मियों को सुरक्षा नहीं दे रही है, मीडिया कर्मियों को संरक्षा नहीं मिल रही है, तो ये एक खतरनाक प्रवृत्ति है। धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय इस चैनल को दिया है। तो मैं हमारे साथ अभी बात करने के लिए मौजूद थे महेश जी, जिन्होंने बताया कि जिस तरह से कल प्रशांत राय पे हमला हुआ वो बिल्कुल अनैतिक और असंवैधानिक है, सरकार को इस पर जल्द से जल्द तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और उचित कमिटी बनाकर इसकी जांच व्यवस्था के लिए सरकार को प्रयत्नरत रहना चाहिए। धन्यवाद।